स्थित ग्रीनवे मॉडर्न स्कूल की दो बसें आपस में टकरा जाने से घायल हुए बच्चों के अभिभावक स्कूल गेट पर जाकर हंगामा करने लगे। उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करनी शुरू कर दी। वहीं बच्चों के अभिभावक टीसी कटवाने की बात को लेकर अड़ गए। उसके बाद में स्कूल प्रबंधक ने अभिभावकों को आश्वासन दिया और मामला शांत हुआ। यह मामला बुधवार दोपहर छुट्टी के वक्त ग्रीनवे मॉडर्न टू स्कूल की बस बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी, तभी किस कारण दोनों बस आपस में टकरा गई, जिसमें दर्जनों बच्चे घायल हो गए, जिनके अभिभावकों ने सुबह ही स्कूल पहुंचकर स्कूल प्रबंधक से बात की और भविष्य में ऐसी घटना ना हो उसका सावधान कराने को कहा। स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों की सभी बातों को मानते हुए उन्हें आश्वासन दिया और मामला शांत हुआ। इन्फॉर्म करना भी उचित नहीं समझा। सबसे पहले इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, हर चीज के लिए मैसेज डालते हैं। इन्हें सबसे पहले ये तो बताना चाहिए कि हमारे बच्चों के साथ घटना क्या हुई है। हम लोग अगर फोन करते पूछते तो टाइमिंग के बाद करते, अभी तो टाइमिंग से पहले की बात थी। बताइए, हमें ये पता नहीं, हमसे 4 बजे पूछा जा रहा है कि हमारे बच्चे कैसे हैं। मैसेज क्या कुछ भी नहीं किया इन्होंने। सबसे मेन बात तो इनकी जिम्मेदारी बनती थी बच्चों को अपनी गाड़ी से लेकर जी, तो प्रिंसिपल साहब गई वहाँ, तो मैंने कहा मैडम देखो व्यवस्था क्या, तो मैडम कह रही मेरा तो ये मैं आगे मेरा धन्यवाद समझो आप, तो मेरा कोई मतलब नहीं आ रहेगा। आप गाड़ी नंबर लिखा बस पर, इस पर कॉल करो, मालिक को बुलाओ। अब मैं तो मानना होता है कोई है नहीं सर, वो आता नहीं कोई, मतलब 2-3 बार क्या।